तो भैया, अच्छा भैया मैं ये पूछना चाहूँगा, आपके मामा लगते हैं आरिफ भाई, आरिफ भाई आपके मामा लगते हैं जी। तो आरिफ भाई इतने ज़्यादा वायरल हो गए, तो क्या बॉलीवुड में भी उनका कोई मतलब काम वगैरह करने का ऑफर आया? दो दो तीन फोन आए। तो आरिफ भाई क्या क्या कहें, मतलब नहीं करेंगे? अब वो तो मोबाइल बता सकते हैं, हम नहीं बता। नहीं नहीं, क्यों नहीं करेंगे, जब कुवार कर तो करेंगे भाई। अच्छा, अब तो गांव में ही था, लेकिन अब आरिफ भाई को पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में अब आरिफ भाई चल रहे हैं इस वक्त, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहे तुम्हारा नाम हो जाए, हमारा काम हो जाए, जरा हक करके देख लो, मुझे आराम हो जाए। वाह, गम उठाएंगे तो फायदा और हम संभल जाएंगे। हाँ? गम उठाएंगे तो फायदा और संभल जाएंगे, और तेरी जुल्फे नहीं है जो खुल के बिखर जाएंगे। गमी जिंदगी में मेरे साथ चल के तो देख, फूल बन के तेरी राहों में बिखर जाएंगे। वाह वाह, क्या आपने, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आरिफ भैया कहीं गए मीटिंग में, कहीं उनका मीटिंग का काम था कुछ जरूरी, वो मीटिंग में चले गए, और आरिफ भैया बोले कि भाई जितने भी आए हो सब लोग घर पे पानी पी कर ही, चाय पी कर ही जाना। मैंने सब कुछ देखा, सारे यूट्यूबर को देखा, जो भी वायरल हो जाते वो अच्छे से इंटरव्यू नहीं देते, उनके अंदर थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन आरिफ भैया के अंदर ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे साथ है आरिफ भैया के भांजे, तो भांजे ने हम लोग को पानी पीने के लिए, ये देखिए कितने प्रकार का मीठा और नमकीन क्या क्या लाया है, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों। कोई यूट्यूबर, कोई वायरल यूट्यूबर ऐसे हम लोग छोटे ब्लॉगर का सम्मान नहीं करेगा, कोई भी वायरल हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पे नमकीन है, यहाँ पे मीठा है, और यहाँ पे बिस्किट है, बगल में बिस्लरी के पानी रखा हुआ है, और चाचा भी आए हैं, और आर के अंकिता चैनल के मालिक भी बैठे हैं हमारे साथ में। तो दोस्तों यही सब कुछ था आरिफ भाई का, बहुत ही अच्छा, आरिफ भाई बहुत ही अच्छे इंसान। चाचा आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए। आरिफ भाई कैसे इंसान है? आरिफ भाई बहुत अच्छे इंसान है, ये हमारे मौजा के प्रधान है। हाँ। मैं लाल मोहम्मद विधानसभा अध्यक्ष गौरीगंज 185 बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा। हाँ, और अब इस समय मैं जा रहा हूँ मीटिंग वहाँ पर गौरीगंज मुख्यालय कार्यालय में। अच्छा। हाँ इधर इसमें देखिए, इसमें हाँ जा रहा हूँ, और ये इतने अच्छे इंसान है कि हमारे मौजे में आज ये 50 साल से प्रधानी कर रहे हैं जी, जनता इनको बहुत मानती है। हाँ। और प्रधान है ये इस वक्त आरिफ भाई, प्रेजेंट टाइम इस गांव के प्रधान है? नहीं इस समय नहीं है। अच्छा, रह चुके हैं? हाँ 25 साल 40 साल पहले रह चुके हैं। अच्छा, और मौजूदा आपकी बेईमानी कर लिया है जी, और इसलिए बेईमानी से मतलब वो जीत गए, नहीं जीतने वाले नहीं थे कोई। चलिए ठीक है, आरिफ भाई अगर इसी तरह अपना मतलब अच्छे तो इंसान है तो फिर वो जीतेंगे, ऐसा बात नहीं है ना। तो नहीं जीतेंगे, पब्लिक आपकी बहुत खुश है, और इन्होंने हमारे पूरे मौजे में फ्री में काटते हैं अपनी मशीन से, इतने अच्छे आदमी है कि उनका फसल जो होता है किसानों का। हाँ। गेहूँ इधर और उधर धान जो होता है, किसी से पैसा लेते नहीं, इतने अच्छा इंसान है। अब हमारे देखा कि जैसे कि आप लोग सुना है दोस्तों, चाचा जी बोले कि आरिफ भाई एक हार्वेस्टर मशीन भी रखे हैं, जिसके पास जो गरीब है अपने गांव के, उनके गांव के जिसके पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो आरिफ भाई उसका मतलब फसल फ्री में काटते हैं, सब कुछ जुताई बुवाई सब कुछ फ्री में ही कर देते हैं। आरिफ भाई इतने अच्छे इंसान हैं, एक इंसानियत निभाते हैं आरिफ भाई, और पूरे गाँव में सबसे अच्छे कहलाते हैं आरिफ भाई, पूरे मौजे में कहलाते हैं, पूरे मौजे का सबका काटते हैं, एक तरफ से पैसा किसी से नहीं लेते। हाँ वो तो देख रहे हैं बगल में, थोड़ा कैमरा मैन इधर दिखाइए थोड़ा, ये देख सकते हैं दोस्तों आरिफ भाई का ही हार्वेस्टर खड़ा हुआ है इस वक्त। तो अभी चाचा अभी गेहूं हुआ तो नहीं है? नहीं गेहूं बस यही एक महीने के बाद है, ये अप्रैल से 15 अप्रैल से कटना शुरू हो जाएगा, सबका फ्री में काटते हो, कभी आज तक पैसे के मोह किया ही नहीं कि हम मतलब किसी से पैसे ले, और ये इनका नाम जो है पूरे इंडिया में चल रहा है कि रामपुर नौरंगाबाद मौजा का प्रधान, जैसे कोई प्रधान कहीं है ही नहीं है। तो चलिए ठीक है चाचा जी, इस वक्त अब तो गांव में ही था, लेकिन अब आरिफ भाई को पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में अब आरिफ भाई चल रहे हैं इस वक्त, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहे तुम्हारा नाम हो जाए, हमारा काम हो जाए, जरा हक करके देख लो, मुझे आराम हो जाए। वाह वाह, गम उठाएंगे तो फायदा और हम संभल जाएंगे।
गम उठाएंगे तो शायद और संभल जाएंगे, और तेरी जुल्फे नहीं है जो खुल के बिखर जाएंगे, गमी जिंदगी में मेरे साथ चल के तो देख फूल बनके तेरी राहों में बिखर जाएंगे। वाह वाह चाचा, क्या आपने शायर मारा। और चाचा आप, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आरिफ भाई मतलब ये पक्षी कहाँ से लाए थे? ये पक्षी कहीं तालाब में पड़ी थी, घायल अवस्था में पड़ी थी, घायल अवस्था में पड़ी थी, वो खेतवाई गए, देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो उसका पैर टूट गया है, और उसको ला करके अपने यहाँ 2 महीने दवाई कराया, खाना खिलाया। अच्छा अच्छा। और खाना खिलाने के बाद उसकी पट्टी बंधवाई, दवाई करते रहे, करते करते वो चिड़िया से इनका मोहब्बत हो गया, जब से वो इनको छोड़ नहीं रही है, कहीं लाने नहीं गए, वो खेत गए थे घूमने के लिए, वही पड़ी थी, तो उसको ला करके अपने यहाँ दवा कराया। दवा कराने के बाद वो ठीक हो गई, और उसका इतना प्यार हो गया कि आरू को छोड़ना नहीं चाहती है। चलिए ठीक है चाचा, उनके अंदर एक अच्छी खासी इंसानियत थी ना, वो काफी अच्छे इंसान थे ना, नहीं तो उस पक्षी के साथ कुछ भी सुलूक कर सकते थे। कहावत में कहा है जी, दिल जल रहा तो चिता जला देना, दिल जल रहा तो चिता जला देना, दिल जल रहा तो चिता जला देना, कफन न मिले तो दुपट्टा उड़ा देना, कोई पूछे कि क्या बीमारी है तो सर झुका के मोहब्बत बता देना। वाह वाह चाचा, बहुत ही अच्छा आपने शेर मारी। तो चलते हैं दोस्तों, जैसे कि आप चाचा ने बताया कि आरिफ भाई की मतलब सारी स्टोरी बताई, अब आप लोग भी जान सकते हैं कितने अच्छे इंसान हैं आरिफ भैया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं दोस्तों कॉमेडी वीडियो में मिलते हैं कि ब्लॉग वीडियो में मिलते हैं, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।